गैस चैप्टर 11 में हम लोगों ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और चैप्टर 11 का प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 11 के प्रैक्टिस सेट को। और इसमें जो पहला सवाल है वो है जावास्क्रिप्ट क्लास बनानी है कॉम्प्लेक्स नाम की, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सके। अगर आपको नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो अलग होता है और इमेजिनरी पार्ट अलग होता है। ए प्लस आयोटा बी करके रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। आओ यार आपको क्लास बनाते बनाते ही बताता हूँ, क्योंकि टाइम शायद आपके पास भी बहुत कम होगा और हम सबको टाइम बचाना भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास कॉम्प्लेक्स और मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर रन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिखूँगा दिस डॉट रियल इज इक्वल टू रियल और उसी के साथ साथ दिस डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी, ठीक है। और दिस डॉट रियल इज इक्वल टू रियल लिखना है मुझे, और रियल और इमेजिनरी दोनों पास किए जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक काम और करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू न्यू कॉम्प्लेक्स 2 और 4, और मैं एक बी नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा लेट अस से 6 और 2, ठीक है। ये इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर सिंपली इतना ही लिखा हुआ है और लिखा है कि कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को जो है सेट करे, ठीक है। तो वो हमने कर लिया है, विच इज़ ग्रेट यार, ठीक है। राइट अमेरा टू एड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द अबव क्लास। अभी क्लास तो हमने बना ली है, हमें करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, और वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ऐड नाम का मेथड बनाऊँगा और इसको किसके साथ ऐड करना है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। और जिस भी नंबर के साथ हमें इसे ऐड करना है हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दूँगा मान लो नम, ठीक है। मान लो नम के साथ ऐड करना है तो मैं रिटर्न करूँगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कहूँगा न्यू कॉम्प्लेक्स और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करूँगा। और मैं यहाँ पर इसके अंदर लिखूँगा कुछ इस तरह से, मैं कहूँगा जो रियल पार्ट है लेट आर इज इक्वल टू, जो कि रियल पार्ट है वो होगा दिस डॉट रियल प्लस नम डॉट रियल, ठीक है। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है वो होगा दिस डॉट इमेजिनरी और नम डॉट इमेजिनरी, ठीक है। और मैं आर कॉमा आई करके एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से ए प्लस बी और सॉरी ए डॉट ऐड बी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए डॉट रियल और ए डॉट इमेजिनरी को, तो आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से चलेगा। मैं ऐसे कंसोल डॉट लॉग हटा दूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ और आप लोग देखो 2 और 4 प्रिंट हो गया। अब ये 2 और 4 क्यों प्रिंट हुआ, ए का रियल पार्ट प्रिंट हो गया और ए का इमेजिनरी पार्ट प्रिंट हो गया। मैंने गलती कर दी यहाँ पे, क्योंकि मैं ए में ऐड कर रहा हूँ, मैं नया कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न नहीं करूँगा, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मुझे जो इसका रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट में ऐड करना है। तो यार मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ यार बैठ के यहाँ पे, मुझे जो है इसको ठीक करना चाहिए। क्या कर रहा हूँ यार मैं बैठ के यहाँ पर, दिस डॉट गाइस मुझे कमेंट में बताइए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ कर। इमेजिनरी इज इक्वल टू दिस डॉट इमेजिनरी प्लस नम डॉट इमेजिनरी, तो हमने जो नंबर दिया उसका इमेजिनरी पार्ट जो है ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है और आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है भाई, सेव होके अब बेइज्जती मत करा देना गलती से भी 8 और 6, ठीक है। तो इसके ये जो पार्ट्स हैं ये अलग से ऐड हो गए और ये 4 2 6 हो गए, 6 2 8 हो गया। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा फैंसी वे में लिखना चाहूँ तो मैं बैकटिक्स का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ इस तरह से कि डॉलर रियल और इसके बाद डॉलर ए डॉट इमेजिनरी, ठीक है, डॉलर ए डॉट रियल डॉलर ए डॉट इमेजिनरी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा प्लस और आयोटा और इसके बाद कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा, तो एक मिनट सेव नहीं हुआ, प्लस आयोटा 6 आयोटा थोड़ा ठीक लगेगा, थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है, प्लस 6 आयोटा और ये स्पेसेस भी हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो आप इसको कुछ वेक्टर की तरह समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं क्या कराने लगा, इसको वेक्टर की तरह समझ लो आप लोग, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को काफ़ी सही लगा होगा ये कि
जावास्क्रिप्ट इज सो मच कैपेबल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास ह्यूमन, ओवरराइड अ क्लास, ओवरराइड अ मेथड एंड सी चेंजेस। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए, और इसको मैं आपको दिखा दूँगी कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है, विच इज़ ग्रेट। अब हमें क्या करना है, एक क्लास ह्यूमन बनानी है, ठीक है। और एक ह्यूमन क्या क्या कर सकता है आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ, एक कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन ये कर सकता है। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट बनानी है ह्यूमन से। तो मान लो मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिसमें नेम होगी उसकी, फेवरेट फूड होगा, बस इतना ही होगा, ठीक है। खाओ और नाम रखेंगे उसका, खिलाएंगे उस बच्चे को हम, और नाम रखेंगे उसका, बस और कुछ नहीं करेंगे। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और दिस डॉट फेव फूड इज इक्वल टू फेव फूड, ठीक है। ये मैंने किया, दो चीज़ें इसमें मैंने सेट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक क्लास क्या बनाना है, स्टूडेंट, और एक्सटेंड्स ह्यूमन, यानी कि जो क्लास है ये ह्यूमन से आ रही है, जो स्टूडेंट क्लास है वो ह्यूमन से आ रही है। और सी इफ स्टूडेंट इज एन, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन है, हमें ओवरराइड करना है इसका एक मेथड। और सबसे पहले मैं एक इसका मेथड बनाऊंगा वॉक, और मैं यहाँ पर लिखूंगा ह्यूमन इज वॉकिंग, ठीक है। और इसको थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए दिस डॉट नेम प्लस ह्यूमन इज वॉकिंग, ठीक है, ये मैंने किया। और अब मैं इसको एक इसका एक ये भी बनाऊंगा, क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा, और स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, वॉक को ओवरराइड कर दूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट इज वॉकिंग। और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा लेट ओ इज इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट है न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और ओ डॉट वॉक जब मैं करूँगा कुछ इस तरह से, तब क्या होगा कि मुझे स्टूडेंट इज वॉकिंग दिखेगा, मुझे ह्यूमन इज वॉकिंग नहीं दिखेगा, अनडिफाइंड स्टूडेंट इज वॉकिंग, कैसा मजाक है। ओके, तो मैंने ना ही तो नाम दिया ना ही फेवरेट फूड दिया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हैरी दे देता हूँ और यहाँ पर भिंडी दे देता हूँ, ठीक है। मेरे घर भिंडी बनवा के भेजें आप अगर हो सके तो, ठीक है, मेरे घर भेजें भिंडी बनवा के गर्मा गर्म वो भी। तो मैं यहाँ पर स्पेस भी दे देता हूँ, नहीं यहाँ नहीं देना स्पेस, मुझे यहाँ पर देना स्पेस कुछ इस तरह से। रिलोड करो इसको, अरे ये क्या हो रहा है, सेव न्यू एप्पल, अब हो गई हैरी स्टूडेंट इज वॉकिंग, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ओवरराइड कर दिया एक मेथड को और दिखा दिया आपको। अभी कह रहे सी स्टूडेंट इज एन इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन यूजिंग इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड। अब अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं कि जो स्टूडेंट है वो इंस्टेंस ऑफ, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ह्यूमन, तो मुझे ट्रू मिलेगा कि फॉल्स मिलेगा, और मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि ये इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन हमने स्टूडेंट को इनहेरिट किया है ह्यूमन से, ठीक है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। और यूज़ गेटर्स एंड सेटर्स टू सेट एंड गेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मैं ज़रा दोबारा से इसको कमेंट आउट करूँगा, और मैं अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइल को दोबारा खोलूँगा, ठीक है, ऊपर जो मैंने ये बना रखा है इतना बड़ा तामझाम। अब यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे से कि गेटर और सेटर का इस्तेमाल करो रियल और इमेजिनरी पार्ट को गेट और सेट करने के लिए। तो सिंपल है यार, मैंने आपको गेट और सेट का सिंटेक्स बता रखा है ऑलरेडी, अगर आपने चैप्टर 11 के नोट्स डाउनलोड किए हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी सिंटेक्स में, और वो मैंने आपको फिक्स करने को कहा था, और मैं कोशिश करूँगा फिक्स करके अपलोड कर दूँ। गेट नेम बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे सेट स्पेस नेम लिखा हुआ है, और न्यू नेम गेट नेम लिखा जाएगा ऐसे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट और रियल, और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर लिख दूँगा दिस डॉट अंडरस्कोर रियल, ठीक है, रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर रियल, ठीक है। अब दिस क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा यार क्योंकि दिस जो होता है वो उसी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करता है, और अंडरस्कोर इसलिए लगाया नेम कोलिजन को अवॉइड करने के लिए। तो दिस डॉट अंडरस्कोर रियल हमने लिख दिया, और यहाँ पर इमेजिनरी के साथ भी यही करेंगे दिस डॉट अंडरस्कोर इमेजिनरी, ठीक है। और सेटर के लिए क्या करेंगे, सेट इमेजिनरी और न्यू इमेजिनरी, और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस डॉट अंडरस्कोर इमेजिनरी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यू इमेजिनरी। और ये सेंटेंस मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और सेम चीज़ मैं रियल पार्ट के साथ भी कर दूंगा, और यहाँ पर रियल रियल से रिप्लेस कर दूंगा इमेजिनरी को, और यहाँ पर न्यू रियल कर दूंगा, और इसको मैं ऐसे करता हूँ, और ये अंडरस्कोर करूँगा। अब आप देखते जाओ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ए डॉट रियल इज इक्वल टू 10, और
ए डॉट इमेजिनरी इक्वल्स टू 10, तो मुझे 16 और 12 मिलना चाहिए, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में 16 और 12 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई लगता है, मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं लिखा, एक तो ये गलती करी है मैंने, और कहीं गलती करी है क्या मैंने, और कहीं गलती नहीं करी है, ठीक है, ये चलना चाहिए, मैं रिरोड करूँगा तो 16 प्लस 12 वाई ओटा मिल गया, क्योंकि 10 इसका रियल पार्ट बना दिया मैंने, इमेजिनरी इसका रियल पार्ट बना दिया। अगर इससे पहले मैं आपको ये भी दिखाऊँ ना, कंसोल डॉट लॉग ए डॉट रियल ए डॉट इमेजिनरी, तब भी आप लोग देखना कि 2 और 4 आएगा, और उसके बाद इसको मैंने 10 10 कर दिया, तो पहले 2 4 था, 10 10 कर दिया, इसलिए 10 प्लस 6 आया यहाँ पर 16, और 10 प्लस 2 आया 12, तो 16 प्लस 12 आयोटा यहाँ पर आ गया। आई होप कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा और आप लोगों को ओवरऑल चैप्टर अच्छा लगा। एक बात बोलना चाहूँगा इन जनरल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और वो ये है कि शायद आप लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को उतना इस्तेमाल ना करें, ठीक है, जितना आप लोग सोचेंगे कि हम करेंगे, लेकिन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को आने से आप लोग की प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और उसी के साथ साथ आप लोग जब इस लेवल पर आ जाते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, कि आप लोग काम कर रहे हो इन सब चीज़ों के साथ, आप लोग काम कर रहे हो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के साथ, आप लोग काम कर रहे हो क्लासेस के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, किस तरह से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बाकी के चैप्टर्स पढ़ाए थे, मैंने आप लोगों को बताया चैप्टर नंबर 10 में फेच का सिंटैक्स, और भी हमने काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखी कि यार ऐसे कर लो तो ऐसा होता है, हमने देखा इनकोड URI कम, जब आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चले आते हो ना चीज़ों में, तब आपको जो बेसिक्स है ना वो इतने आसान लगने लगते हैं कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ जाते हैं, और वही आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर आना है बेसिक्स को, क्योंकि बेसिक्स से ही सब कुछ होता है। ज़्यादातर चीज़ें आप जो करने वाले हो जावास्क्रिप्ट में, डिज़ाइनिंग करोगे अपनी वेबसाइट बनाओगे, तो जावास्क्रिप्ट से लॉजिक अपने पेज को आपको देना है। अगर जावास्क्रिप्ट ऑन द बैकएंड यूज़ कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट फॉर स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फाइल्स को पार्स करना, किसी फोल्डर में कुछ करना, ये सब कर रहे हो, तो एक अलग कहानी है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को वो लेवल आप पकड़ पा रहे हो जिस लेवल पर मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी अभी तक, तो उसको अभी के अभी मेरे कहने से एक्सेस करें। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगा, और वो ये है कि आप लोग जो है ये जो फर्स्ट वाला वीडियो है इसको खोलें और इसमें एक रिव्यू डालें, अपना एक कमेंट डालें कि मेरा ये रिव्यू है और 5 में से मैं इतने स्टार देता हूँ, ठीक है, और क्यों देता हूँ ये भी आप बता देना, ठीक है। आप बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देना, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आएगा ना इस कोर्स को देखने के लिए, तो उसको आपके रिव्यू से बहुत हेल्प होगी कि यार ये कोर्स कैसा है, कितना सिखाता है, नोट्स कितने इफेक्टिव हैं, क्या एक इंसान अगर जीरो से सीख रहा है जावास्क्रिप्ट तो क्या वो सीख पाएगा, उसको क्लियर हो पाएंगे कॉन्सेप्ट्स की नहीं, ये आप लोग ज़रूर बताएं इसमें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।